वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है फ्रीकी मुसाफिर सोम और मैं सोम। सो गाइस, आज का जो वीडियो है वो है वन डे ट्रिप। वन डे ट्रिप इसलिए है क्योंकि आज मैं दो जगह जाऊंगा। मैं आज निकल रहा हूँ यहाँ से, मेनली हम जा रहे हैं, लास्ट हमारा डेस्टिनेशन होगा मानसर। जम्मू में एक बहुत ही बेहतरीन जगह है मानसर बोल के, तो मानसर जाने के यहाँ से 54 किलोमीटर पड़ता है, अप्रॉक्स 54 किलोमीटर है, जबकि यहाँ से बीच में मतलब 34 किलोमीटर पे जाके एक मंदिर है, चिची माता मंदिर, जो कि बहुत फेमस है जम्मू में। उस पे माना जाता है कि वो दुर्गा माता की छोटी उंगली वहाँ पे गई थी, चिची माता, इसी कारण उसका नाम पड़ा। डोगरी में छोटी उंगली को, इस उंगली को चिची बोलते हैं। सो गाइस, हम यहाँ से निकल रहे हैं, ठीक है। यहाँ से अभी मेरे फ्रेंड आने वाला है, वो भी ब्लॉगर है, तो उसने डिसाइड किया था कि चलते हैं हम लोग साथ में, एक वीडियो बनाते हैं। तो अब हम निकलने वाले हैं, मैं रेडी होता हूँ। मैं रेडी नहीं हूँ, मैं रेडी होता हूँ, रेडी होकर फिर निकलता हूँ, फिर मैं आपको कंटिन्यू मेरे वीडियो दिखाता हूँ। तो गाइस, हम लोग आ चुके हैं चिची माता मंदिर। अगर कभी आप यहाँ आते हैं पठानकोट की तरफ से तो ये आपके राइट साइड में पड़ेगा, और अगर आप जम्मू की तरफ से आते हैं तो ये आपके लेफ्ट साइड में पड़ेगा। ये जम्मू से करीब 25-30 किलोमीटर दूर है। जम्मू से अगर आपको यहाँ आना है तो बस पकड़ के आने में बहुत दिक्कत होगी, अगर अपनी खुद की बाइक या कार होगी तो आप आराम से आ सकते हैं। तो चलो अब हम चिची माता के दर्शन करते हैं। तो गाइज, हमने दर्शन कर लिया है, तो इस ब्लॉग में मेरे साथ मेरा पार्टनर बादल भाई है। हेलो गाइज, तो भाई का चैनल है, भाई ने मतलब न्यू चैनल अपना स्टार्ट किया है, तो भाई के चैनल को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब जरूर करो भाई के चैनल को। और ऐसे एक्सप्लोर वाली अगर आपने वीडियोस देखनी है तो सब्सक्राइब बेशक करना, और क्योंकि जब भाई अपने वीडियो अपने चैनल पर वीडियो डालेंगे तो वो वीडियो आप तक पहुँच जाएगा नोटिफिकेशन के थ्रू। और वैसे हमारे बादल भाई का भी एक चैनल है, मैं उस चैनल का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। भाई भी एक्सप्लोरिंग वीडियो ही बनाता है। अभी हमने यहाँ घूम लिया है, तो इसके बाद हम सोच रहे हैं कि आगे हम लोग मानसर जाएंगे। मानसर एक लेक है, बहुत बड़ा लेक है। गाइस, अभी हम मानसर लेक के लिए जा रहे हैं, और मानसर लेक यहाँ से लगभग 10 किलोमीटर दूर है। तो हम साइड में कहीं रुके हुए थे, थोड़ा रेस्ट कर रहे थे, तो रेस्ट का मतलब ये नहीं कि थक गए, हम थोड़ा ऐसे ही व्यूज़ वगैरह देख रहे थे, और व्यू जो है वो आपको भी दिखाते हैं। यहाँ पर काफ़ी अच्छा व्यू है यहाँ पर। सो गाइज, हम अब पहुँच चुके हैं मानसर लेक। ये लेक का मेन एंट्रेंस है।
गाइस फाइनली हम पहुंच चुके हैं मानसर लेक। ये देख सकते हैं यहाँ मछलियाँ कैसे हैं, बहुत ख़तरनाक रूप में मछलियाँ हैं। देखिए ये देखिए मछलियों को देखिए। तो गाइस हमको यहाँ आने में 1 घंटा 20 मिनट लगा है पूरा पूरी, क्योंकि हम जम्मू से निकले थे और ये 55 किलोमीटर है। रास्ते के बीच में पूरा रोड बहुत, मतलब क्या बताऊँ, गड्ढे बहुत थे, फिर भी रोड ठीक है पहले से। रात को आने में थोड़ा चिची माता से थोड़ा रेड रोड जो है वो थोड़ा गड्ढे वाला है। चिची माता तक तो हाईवे है तो कोई दिक्कत नहीं हुई, लेकिन उसके बाद यहाँ थोड़ा गड्ढे वाला रोड है। मैं यही बोलूँगा कि दिन में आना यहाँ सही है, रात को थोड़ा रिस्की हो जाएगा, क्योंकि यहाँ रात को पूरा रोड गड्ढे इतने ज़्यादा है और बहुत घूम फिर के रोड है। सो ये जगह बहुत सुंदर जगह है, बहुत ही अलग है। जम्मू में जैसे इतनी ठंड नहीं है, लेकिन यहाँ देखा कि यहाँ थोड़े ठंडे की पहाड़ है चारों तरफ। बाकी ये जगह फेमस, बहुत बड़ा लेक है और ज़्यादातर फेमस इन मछलियों के कारण है। यहाँ मछलियाँ देखिए कितनी बड़ी बड़ी मछलियाँ हैं, और यहाँ लगभग हर कोई आता है और खाना खिलाता है। ये देखिए थोड़ा सा खाना डालते ही भीड़ जम जाता है। तो गाइज आपको थोड़ा इसका 360 एंगल दिखा देता हूँ। मेरे ख्याल से आपने कभी मछली देखी नहीं होगी, जिंदा मछलियाँ, और आप खाना दो ये बहुत प्यार से आके आपके पास आएगी, खाना खाएगी, ऐसे लग रहा है जैसे पालतू है, और रियलिटी में पालतू है। यहाँ मछलियाँ पकड़ना मना है, इस जगह पे कोई मछली पकड़ नहीं सकता, कोई इसमें उतर के नहा नहीं सकता, इस लेक में यहाँ रिस्ट्रिक्टेड है। बाकी बहुत सुंदर व्यू है, चारों तरफ पहाड़। ये देखिए आप देख सकते हैं मेरे पीछे, चारों तरफ पहाड़, बीच में एक लेक है। ये देखिए चारों तरफ पहाड़ है, बीच में ये लेक है, और इसमें सुंदर सुंदर मछलियाँ हैं। ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, मैं मेरे वीडियो में दिखाऊंगा और भी आगे डालूंगा वीडियो, पहले मैं जहाँ हूँ यहाँ देखिए। ये देखिए मछलियाँ, ये देखिए ये फुल मछलियाँ हैं जिंदा। ये देखिए अभी मैं इनको खाना दूंगा, डालूंगा खाना, तो देखना ये कैसे भागते हुए आएंगे पास मेरे। बाकी अगर कोई जम्मू का लोकल है, अगर वो सोच रहा है कि प्री वेडिंग शूट करना है, तो प्री वेडिंग शूट के लिए बहुत बेस्ट जगह लगी। क्या बादल, क्या बोलते हो? प्री वेडिंग शूट के लिए तो काफ़ी बेस्ट जगह है, क्योंकि मैंने वहाँ पे देखा था कि काफ़ी जो कपल्स वगैरह हैं वो काफ़ी अपना फ़ोटो शूट करवा रहे थे, और आप यहाँ पे आके वीडियो शूट भी करवा सकते हो अपना। और इस लोकेशन में आपका जो वीडियो शूट और जो फ़ोटो शूट होगा वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा। तो आपको लगा कैसे, यहाँ आके कैसा फील हो रहा है अभी? मेरे को तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा फील हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि मैं लास्ट टाइम यहाँ पे मेरा कैंप था एनसीसी का, तब आया था, और एक बार स्कूल पिकनिक होता है यहाँ पे, तब आया था मैं, और उसके बाद आज आया हूँ मैं, 2021 में आज आया हूँ मैं बस। और मेरे को तो रास्ता भी नहीं पता था कि कहाँ से आए, वो तो भाई यहाँ पे पहले आ चुके हैं, तो इसीलिए मैं भाई के साथ आया। मैंने कहा चलो मेरे को भी व्लॉगिंग करना है, तो मैं भी एक्सप्लोर कर देता हूँ, तो आपका भी वीडियो बन जाएगा, मेरा भी वीडियो बन जाएगा, थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ तो करना पड़ेगा दोनों को। और वैसे ये हमारी कोलैबोरेशन वाली वीडियो होने वाली है, जो लिंक है मेरे चैनल का वो भाई डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, और इनके चैनल का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। वैसे मेरी वीडियो भी देख सकते हो आप, मनाली की काफ़ी ज़्यादा वीडियोज़ मैंने एक्सप्लोर की है। कभी भी अगर आप मनाली जाओगे तो मेरी वीडियोज़ के थ्रू आप काफ़ी अच्छी जगह घूम सकते हो वहाँ पर। बाकी तो भाई काफ़ी अच्छी मेहनत कर रहे हैं और अच्छा अच्छा एक्सप्लोर कर रहे हैं। मैं तो यही चाहूँगा कि जब तक मैं जम्मू पर हूँ मैं भाई के साथ वीडियोस बनाऊँ, और जो मेरे को जगह नहीं पता है वो भाई बताएंगे, जो भाई को जगह पता है वो मेरे को मैं भाई से पूछ लूँगा। वो तो सही है, लेकिन सच में हम लोग का प्लान कैसे बना? अचानक प्लान ऐसा बना कि 3 दिन पहले मैंने भाई को कॉल किया था, तो भाई ने बोला था कि भाई कुछ ऐसी जगह जाएंगे जहाँ पे हम अच्छा सा एक्सप्लोर कर सके। तो लगभग कल तक तो हमारा मतलब फाइनल नहीं था यहाँ पे आने को, लेकिन सुबह बिल्कुल फाइनल हुआ है, और फाइनल होने के कारण हम इस जगह पर आए हैं, और काफ़ी अच्छी जगह लगी है मेरे को, काफ़ी सुंदर जगह है, मतलब टूरिस्ट टूर के लिए तो काफ़ी अच्छी जगह है। अगर आप जम्मू पर आओगे तो इस जगह पर ज़रूर आना आप। इस जगह मुझे जो चीज़ लगा, ये जगह आके पिकनिक के लिए बेस्ट है।
अगर आप पिकनिक के साथ आओगे, फैमिली के साथ, बहुत बढ़िया जगह है, बहुत बढ़िया जगह है। फैमिली, मैंने काफी फैमिली को देखा है यहाँ पे आते हुए, एक साथ बैठे टाइम स्पेंड अच्छी तरीके से कर सकते हो आप यहाँ पर आकर। और टिकट्स वगैरह तो कुछ भी नहीं है, कुछ टिकट्स वगैरह नहीं होगा। बाकी आप एडवेंचर वगैरह करना चाहते हो, अगर बोटिंग वगैरह, गेमिंग है यहाँ पर, बोटिंग वगैरह भी करना चाहते हो, उसका आपको पे करना पड़ेगा। बाकी टिकट्स तो एंटर करने में कोई टिकट्स नहीं होगा, आप बिल्कुल फ्री आ सकते हो यहाँ पे। बाकी अगर लाइव लाइव जिंदा मछली देखनी है बड़ी बड़ी, तो वो यहीं दिख सकती है, मुझे लगता है जम्मू में, मेरे ख्याल से यही एक जगह है। जम्मू में क्या, बहुत सी जगह पे होता है, लेकिन लाइव जो ऐसी बड़ी बड़ी मछलियाँ मेरे ख्याल से बहुत कम जगह में दिखना दिखती है, उनमें से एक जम्मू है। सो गाइस, आज की वीडियो इतनी ही थी। तो आज मैंने एक्सप्लोर किया चिची माता मंदिर और मानसर लेक, दोनों ही बहुत ही बेहतरीन जगह है। कभी कोई जम्मू आए तो पक्का ये जगह घूमना, बहुत ही सुंदर जगह है। लेक बहुत सुंदर है क्योंकि मंदिर के बाद ही ये लेक आता है। अगर आप कभी जम्मू से पठानकोट रोड पकड़ के आएंगे तो पहले मंदिर आएगा, उसके बाद ये मानसर लेक आएगा। तो बहुत ही अच्छा लगा मुझे। तो अगर कोई दोस्त यहाँ आने आ रहा हो घूमने, या कभी कोई दिक्कत हो जम्मू में आके कि कैसे जाना है, वो चाहे तो मुझे कमेंट के थ्रू मुझसे पूछ सकता है, मैं उसकी पूरी हेल्प करूँगा। मुझे लगता है कि आप लोग को मेरा वीडियो पसंद आएगा। और अगर आपको पसंद है, आपको मालूम है क्या करना है, लाइक कमेंट सब्सक्राइब पक्का करना। कोई चाहता है कि जम्मू में कोई जगह, वो स्पेसिफाइड जगह कि भाई ये जगह घूम के बताओ कैसा है क्या नहीं, मैं पक्का उसका भी रिव्यू करूँगा, उसको देखूँगा, उसको घूमूंगा और उसका वीडियो मैं अपने पेज पर डालूंगा, अगर कोई चाहता है कि जम्मू में कोई ऐसी कोई जगह। और बाकी सब्सक्राइब करोगे तो उससे यही है कि अगर मैं कोई वीडियो डालता हूँ, एक्सप्लोरिंग वीडियो डालता हूँ, तो आपको पहले नोटिफिकेशन के थ्रू पहले आ जाएगा। तो मैं यही चाहूँगा कि आप लोग मेरे को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें मेरे पेज को। मिलते हैं फिर से कोई नए जगह, जम्मू के ही कोई दूसरी जगह पे सोचता हूँ फिर बनाऊँगा, तब मैं अपलोड पक्का करूँगा।